न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी जज उच्च न्यायालय नैनीताल की उपस्थिति में आयोजित हुआ बहुउद्देश्य शिविर। देखिए पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी के संयुक्त तत्वावधान में गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी जज नैनीताल उच्च न्यायालय के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करते हुए कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करते हुए शुभारंभ किया। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जज उच्च न्यायालय नैनीताल न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य लोगों को विधिक जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध कराता है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न एनजीओ के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस हरेला दिवस पर वृक्षारोपण का आयोजन भी किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविरों के माध्यम से एंटी ड्रग चाइल्ड अब्यूज व साइबर क्राइम के संबंध में भी जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम के में सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार मणि ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद में प्राविधिक समय सेवी संस्थाओं लोगों को जागरूक किया जाता है, साथ ही उनकी समस्याओं को सुनाकर उनका निराकरण भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जनपद स्तर पर महीने में कम से कम बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें कमजोर तबके के लोगों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों व अन्य जरूरतमंदों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सके। जिला जज अजय चौधरी ने सभी विभागों, कॉलेजों, प्रशासन का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों को शॉल, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, पौधा, कॉफी टेबल बुक भेंट की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्यों ने समाज कल्याण व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से लाभार्थियों को व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, छड़ी तथा बाल विकास विभाग के सहयोग से किशोरियों को हाइजीन किट उपलब्ध कराई। इसके साथ ही प्राविधिक स्वयंसेवियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जीबी पंत घुड़दौड़ी के छात्र छात्राओं द्वारा एंटी ड्रग चाइल्ड अब्यूज व साइबर क्राइम पर सुंदर नाटकों का मंचन किया गया। ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के पश्चात उपस्थित गणमान्यों ने इंजीनियरिंग कॉलेज की कैंपस में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश भी दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 400, समाज कल्याण द्वारा लगभग 100 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। इस जनपद के पर्यटन विभाग की जो कॉफी टेबल बुक है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये भेंट करने का कष्ट करेंगे जिला सत्र न्यायाधीश महोदय। पौधा भेंट करने का कष्ट करेंगे। स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे जिला सत्र न्यायाधीश महोदय। है आप मंच पर आकर श्रीमती मंजू तिवारी मैडम लॉर्ड सिख को अंग वस्त्र प्रदान करने का कर... श्रीमती रीरानी जी श्रीमती और ये स्मृति चिन्ह भी। मेरा निवेदन है आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मेरा आपसे निवेदन है आप कॉफी टेबल जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को आपसे मेरा निवेदन है आपके कॉफी टेबल को सदस्य सचिव महोदय से मेरा श्रीमान